कई बम धमाके, सीमावर्ती इलाकों में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच गोलीबारी। जम्मू कश्मीर में सेना ने मार गिराए चार आतंकी, पुलवामा, गांधरबल और हंदवाड़ा में एनकाउंटर। पंजाब में भगवंत मान सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए आज राज्यपाल से मिलेंगे। कौशाम्बी में 400 सपा कार्यकर्ताओं पर FIR, मतगणना के दौरान हंगामा करने का आरोप। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा आज सभी जिलों में निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा पार्टी दफ्तर से समतामूलक चौराहे तक होगी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्यपाल को इस्तीफा सौंपे जाते ही नए सरकार के गठन की वैधानिक प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। तो इधर भाजपा संगठन ने भी योगी सरकार 2.0 के गठन की तैयारियां शुरू कर दी है। संभावना यही जताई जा रही है कि होली के बाद ही नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा। इस संबंध में राष्ट्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श के लिए सीएम योगी सहित प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल का रविवार को दिल्ली जाना संभावित किया गया है। तो आपको बताते चले कि बीते दिनों जब मतदान के नतीजे सामने आए तो एक बार फिर भाजपा ने इतिहास को दोहराते हुए 27 साल बाद इतिहास को दोहराया और एक बार फिर सूबे में अपनी पकड़ बनाई है। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हार हो चुकी है, अभी नतीजे आने का तीसरा दिन ही है। इसी बीच हर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नए सिरे से अपने इलाके की समस्याओं को दूर करने और विकास की नई इबारत लिखने की बात करने लगे हैं। यूपी की चर्चित सीटों पर शुमार। प्रतापगढ़ में कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह राजाभैया 7वीं बार विजेता हुए हैं, उनसे भी चुनावी जीत के बाद प्राथमिकता पर बात की गई। राजा भैया ने कहा कि इलाके के लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाना एक बड़ी चुनौती है, इस समस्या को दूर करने की दिशा में काम किया जाएगा। सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के दोबारा जीतने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली और कार्यकर्ताओं ने नव निर्वाचित विधायक श्याम धनी राही को फूल मालाओं के साथ बधाइयां दी। वह इस मौके पर सदर विधायक ने मुख्यमंत्री समेत सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का बखान करते हुए जनता को भी धन्यवाद किया। इसके अलावा श्याम धनी राही ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो आतंकवाद और नक्सलवाद के संरक्षक हैं, ऐसे लोगों को जिनका स्नेह और प्रेम हिंदुस्तान से नहीं है, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान छोड़कर अब चले जाना चाहिए। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और जनता ने इतना पूरा स्नेह और आशीर्वाद से पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए संकल्पित थे, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, अमित शाह जी का, सबका इसमें अहम भूमिका रहा। जनता को अंतिम लाइन में खड़े होने वाले जनता को उठाने का काम किए। देखिए, जिनको मातृभूमि से स्नेह नहीं है और जिनका संकल्प हिंदुत्व और विकास था, ऐसे विकास पुरुष माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह को वहाँ के जो आतंकवादी नक्सलवादी के संरक्षण दाता हैं, ऐसे लोगों ने एक घृणित काम किया है और ऐसे लोगों को जिनका स्नेह और प्रेम हिंदुस्तान से नहीं है, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान छोड़ के चला जाना चाहिए और ऐसे लोगों को, आम जनमानस हिंदू समाज को ऐसे लोगों को घृणित दृष्टि से देखना चाहिए।
खबर फतेहपुर से है, जहां हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी की जीत पर क्षेत्र में खुशी का माहौल था। सपा विधायक के आवास पर पहुंची जनता जनार्दन ने सपा विधायक का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद सपा विधायक ने क्षेत्र की जनता जनार्दन को धन्यवाद किया और क्षेत्र में विकास करने का भी दावा किया। आपको बता दें कि खाद एवं रसद राज्य मंत्री रानवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया को हरा कर सपा प्रत्याशी उषा मौर्य ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। जनता के लिए क्या संदेश है आपका? जनता के लिए अच्छा संदेश है, उन्होंने मेरी जीत नहीं, ये मैं मानती हूँ ये मेरी जनता की जीत है, उनकी खुद की जीत है। और जैसा भी उनका मान सम्मान जनता का इस दरबार में बना रहेगा, ये जो बहुत लोगों के अंदर भय था, जनता ने भय निकाला। जी, जीत के बाद सबसे पहले जो प्राथमिकता आप किस कामों को लेकर देंगी? देखिए, विकास को लेकर, जिस जैसे विकास में तो बहुत चीजें हैं, रोड, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य का हम पूरा प्रयास करेंगे अपने क्षेत्र। खबर फरीदाबाद से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को मिलने वाले बेनिफिट सर्टिफिकेट को चुरा लेते थे और अपनी कंपनी में ट्रांसफर करते थे, जिसके चलते जिले में इन्होंने फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के समधी और अभिनेत्री सोनम कपूर के ससुर हरीश आहूजा की कंपनी शाही एक्सपोर्ट को 27 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी कर इस मामले का खुलासा किया है। देखिए, पुलिस को एक कंप्लेंट मिली थी शाही एक्सपोर्ट, यहाँ जो बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, उसकी तरफ से कि उनका जो सरकार के द्वारा उनको बेनिफिट प्रोवाइड करा जाता है एक्सपोर्ट पे, तो कुल उनके 27 करोड़ के लाइसेंस थे जो उनको बेनिफिट सरकार की तरफ से मिला था, उस लाइसेंस का गमन हुआ है और वो किसी ब्लैक कर्व नाम की कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र हो गए थे। तो ये कंप्लेंट पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी तेज़ी से काम करते हुए इसमें टोटल 10 गिरफ्तारियाँ करी हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला था कि इस कंपनी के लोगों ने फर्जी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बना के उसके जो लाइसेंस थे उनको एक फर्जी कंपनी में के अंदर ट्रांसफ़र करके एक तरीके से कंपनी को भी नुकसान पहुंचाया है और सरकार के द्वारा जो टैक्स बेनिफिट दिया जाता है या फिर उनकी स्कीम का जो बेनिफिट होता है उसका मिसयूज़ किया गया है। सर, ये जो 10 रुपये बता रहे हैं, ये कौन है, कैसे लिंक है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ है इनकी कुछ? जी, तो ये जो 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग सारे अलग अलग जगह से गिरफ्तार हुए हैं। इसमें से कुछ आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं जो फर्जी डीएससी बनाने का काम करते थे, कुछ इसमें आरोपी मुंबई से गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने फर्जी कंपनी बनाई थी, और कुछ एक आरोपी इसमें चेन्नई से गिरफ्तार हुआ है जो जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनियां हैं उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते थे, उनके कागजात बनाने में या एक्सपोर्ट में संबंधित हेल्प करते थे, जिसका उन्होंने गलत तरीके से फ़ायदा उठाया और इसमें बाकी आरोपी। खबर बरेली से है, जहां के क्षेत्र के प्रतापपुर चौधरी में एक 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि बच्चे के परिजनों ने दूसरे धर्म के 2 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, तो वहीं गुस्साए परिजनों ने नैनीताल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसमें महिलाएं हाईवे पर लेट गई, किसी भी वाहन को वहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते कई किलोमीटर लंबा नैनीताल हाईवे पर जाम लग गया। वहीं मौके पर तमाम हिंदू संगठन भी पहुंच गए और आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी की बात करने लगे, तो उधर एसपी सिटी द्वारा समझाने पर परिजनों ने हाईवे जाम खोला और परिजनों को उचित कार्रवाई का भी अब आश्वासन दिया गया है। थाना इज्जत नगर क्षेत्र में एक सूचना मिली, सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, तो पाया गया कि एक जो बच्ची है वो अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए गई थी, बच्ची कुछ देर बाद वापस नहीं आई, तो घर वालों ने उन्हें खोजते हुए पहुंचा, तो बच्ची एक जगह पर रोते हुए पाई गई। घर वालों ने पुलिस को सूचना दी और इसमें पता लगा है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना हुई है। तत्काल प्रभाव से बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। घर वालों के द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई, घर वालों के द्वारा जैसे ही तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर जो सुसंगत धारा। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक दोस्त ने अपने ही घर में
दोस्त की हत्या कर उसका शव छुपा दिया। साहिबाबाद थाना क्षेत्र की बच्चा कॉलोनी में एक सरकटी लाश एक मकान के कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया। लाश कई दिन पुरानी थी जिसमें से बदबू आने लगी थी। वहीं बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बताते चले कि गाजियाबाद में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी सूचना आसपास के रह रहे लोगों ने पुलिस को दी। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतक परिजनों को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। वो कोई फोन आया था, अच्छा, किसी के पास, उस कारण पता चला कि इस नाम का मित नाम का एक व्यक्ति है, उनकी डेड बॉडी मिली है। तो ये वहाँ पे गए पूछताछ करने के लिए। कंप्लेंट दी है आपने? पुलिस में कोई कंप्लेंट दी है? पुलिस कंप्लेंट दिया, दिल्ली में भी एफआईआर है, यूपी में भी एफआईआर है। पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया है? हाँ जी, उसको पकड़ लिया। तो क्या कह रहा है, किस वजह से मारा है? वो तो सर यही बोल रहा है कि ऐसा है जी, जो भी करना कर लो, मेरी पुरानी रंजिश थी। खबर एटा से है, जहां जनपद के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के शिवसिंहपुर में एक किराए के मकान में रहने वाली महिला ने एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि बीते 5 मार्च को युवती अपने घर पर काम कर रही थी। जहां वो किराए के मकान में रहती थी, तभी कुछ दबंग लोगों ने मकान की बाउंड्री वॉल को तोड़ने की कोशिश की। जब महिला ने उनका विरोध किया तो उन दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की और घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकत भी की, जिसके बाद शोर सुनकर छत से जब उसका पति नीचे आया तब दबंग जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। वहीं ये पूरी घटना मकान में लगे एक सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। खबर हमीरपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कार्रवाई करते हुए टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें पुलिस ने 3 महिलाओं सहित एक पुरुष को गिरफ्तार किया। बता दें, गिरोह के पास से 4 लाख रुपए सहित जेवरात भी बरामद हुए। वही गिरोह को 3 सदस्य अभी भी फरार है, जिन्हें जल्दी पुलिस गिरफ्तारी करके जेल भेजेगी। के कुरारा थाना में 26/2 को ये जैनंद कुमार के शॉप पे 3 महिलाओं द्वारा चोरी की घटना कारित की गई। इस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 5 लाख के सोने जेवरात चोरी किए गए। इसको एसओजी की टीम और कुरारा थाने पुलिस द्वारा इस संबंध में 3 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से सोने में चांदी के जेवरात वो बरामद किए गए। 100% बरामदगी हुई और इसमें जो ये गिरफ्तार हुई हैं, ये पूनम, अवनीश, रूबी, मिथिलेश, ज्योति और मुन्ना, और 3 वांछित हैं, पूनम, अवनीश और टिल्लू। और इनसे 4 पैंडल, 16 अदर छोटा पैंडल, 5 जोड़ी टॉप्स, 15 मंचली आदि काफ़ी सामान बरामद हुआ है। फिरोजाबाद में रामगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल 15 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब ले जाते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है। थाना रामगढ़ पुलिस ने हरियाणा राज्य से अवैध रूप से तस्करी कर ट्रक में लाई जा रही 2400 लीटर नाजायज अंग्रेजी शराब कीमत 15 लाख रुपए की बताई जा रही है। आगामी त्योहार होली के दृष्टिगत फिरोजाबाद एसएसपी द्वारा चलाए जा रहे अभियान में कठोर कार्रवाई की और दिशा निर्देश भी दिए हैं। रामगढ़ हरविंद मिश्र ने एक बड़ी अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें इन्होंने हरियाणा मार्ग का अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जो कि 4280 विभिन्न मापों एवं विभिन्न ब्रांड की ये बोतलें हैं, जिसमें ये पैक है, और कुल 2400 लीटर शराब है ये। इस प्रकार इसमें एक अभियुक्त जो पकड़ा गया, उसका नाम है गंभीर सिंह, जो कि छर्रा थाना क्षेत्र अलीगढ़ का रहने वाला है। इसमें 2 अन्य अभियुक्तगण हैं जो प्रकाश में आए। एक मौके से भागा हुआ अभियुक्तगण है, जिसका नाम कौशल कुमार है, तथा एक सतवीर है जो इसका सहयोगी है और जहाँ से ये माल लेके आया है। ये माल हरियाणा से लोड हुआ था और ये गोपालगंज जा रहा था बिहार। तो जिस हिसाब से अभी हाल में पर्व भी है और इधर चुनावों का परिदृश्य रहा है और होली आगामी पर्व एक निकट ही है,
तो इसमें मांग इस प्रकार के अवैध शराब की मांग बढ़ी है और इसमें हम लोगों ने गुप्तचर सक्रिय किए थे, जिसमें ये इंटरसेप्ट करने के बाद एक चिनौरा पुल पे इनको रोक के और ये तलाशी लेने के बाद ये कैंटर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।